वेलकम है शिलू की किचन में। हम काले चने बनाने जा रहे हैं। एक कटोरी चना मैंने लिया है, ये रात को मैं भिगो के रख दूंगी और सुबह बनाएंगे हम इसे। देखिए चने हमारे अच्छे से भीग गए हैं। अब इन्हें पानी जो हमने बीच में डाला था वो निकालना नहीं है, पानी के सहित हम इसको कुकर में डाल देंगे। चने भी डाल देंगे और पानी भी डाल देंगे। पानी इतना डालना है कि चने हमारे अच्छे से डीप हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा ही हल्का सा घी डालेंगे और हम इसे कुकर को बंद कर देते हैं। ये हमने उबलने के लिए रख दिए हैं। जैसे एक सीटी आएगी तो हम 45 मिनट तक इसको सिम पे रखेंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। जब तक हमारे ये चने उबल रहे हैं हम चने के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 प्याज, 3 टमाटर, 5-7 कली, 10 कली ले लो, छोटी है तो 10 ले लो, बड़ी हो तो 5-7 कली, लहसुन, 1 हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा। ये हम चॉप करेंगे। टमाटर को हम अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमारे चने बिल्कुल रेडी हैं। ये मैंने उबाल लिए, इतने अच्छे से रेडी हो गई हैं। आइए अब इनका हम तड़का तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इसमें हींग डालेंगे, थोड़ी सी हींग। जैसे ही गर्म हो गई इसके अंदर हम डालेंगे और थोड़ा सा अजवाइन। देखो आज हम लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं और सरसों के तेल में। अगर आप बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाते तो प्लीज़ आप लोहे की कढ़ाई में बनाना, इससे आपको फुल आयरन मिलेगा। चने में भी आयरन होता है और लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो सोने पे सुहागा। और अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने, ये चॉप किए करी, और इसको जैसे हल्का ब्राउन होगा हम इसमें डाल देंगे ऑनियन, ये भी मैंने चॉप किए हुए हैं। ये देखिए ये भी डाल दिया हमने ऑनियन, और 2 ओनियन है, 3 टमाटो की प्यूरी तैयार की है ये मैंने। जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे इसमें मसाले डालेंगे, टमाटो डालेंगे। ये हमारे ओनियन रेडी हो गए, देख रहे हो आप बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। इसमें हम नमक डालेंगे, चने में भी नमक डाला था हमने, इसमें भी 1 चम्मच, छोटा चम्मच है नमक, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर और ये थोड़ी सी देगी मिर्च। ये ऑप्शन है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैं इसमें थोड़ी सी जरूर डालती हूँ। जैसे ही हमारे मसाले ये पक गए अब हम इसमें डालेंगे 3 टमाटर की प्यूरी। ये देखिए ये डाल दें, अब ये हमारा मसाला रेडी हो जाएगा तो फिर इसमें हम चने डालेंगे। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है और मैंने जो सरसों का ऑयल है कम ही डाला है। ये देखिए थोड़ा आपको दिख रहा होगा ऑयल छोड़ गया है। अब इसमें हम जो चने हैं वो डाल देंगे। अब हम इसे चने को थोड़ी देर इसके साथ मिक्स करेंगे अच्छे से और भुनने देंगे ताकि मसाला और चना अच्छे से फ्राई हो जाए। और अगर आपने सूखे चने खाने हैं यानी ड्राई तो आप ऐसे निकाल लेना, और अगर तरी वाले खाने हैं तो इसका जो पानी है वो डाल के तरी वाले चने बन जाए। अब ये हमारे पास कसूरी मेथी है, अब ये भी हम इसमें डाल देंगे, इससे क्या होगा खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। ये भी हम डाल के मिला देंगे, 2 मिनट के लिए हमें इसे ढक दें ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए अब बिल्कुल मिक्स हो चुका है मसाला और घी भी अलग हो गया है। अब जो चने का पानी है वो हम इसमें डाल देंगे, अब 1-2 इसके उबाले आएंगे और हमारे चने रेडी। चने हमारे रेडी हैं। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती, घर का मसाला,
गरम मसाला, ये हमने घर ही रेडी किया है। ये हमारे चने रेडी हैं। खाए खिलाए, मस्त रहें, खुश रहें। बाय बाय।